हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हम आप सभी के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई अपडेट लाया करते हैं, वैसे आज आप सभी के लिए एक और नई अपडेट, नई वैकेंसी के साथ पहुंचे नया वीडियो लेके। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया था कि आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो दोस्तों EPFO के अंदर निकाली गई नई रिक्वायरमेंट। दोस्तों चलिए जानेंगे इसके अंदर कि कैसे हो पाएंगे आप यहाँ पे सेलेक्ट, और क्या रहेगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, एंड क्या होने वाली आपकी एप्लीकेशन फी और सैलरी। दोस्तों तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना जरूर याद रखिएगा। तो जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज रिलीज्ड, इन्होंने रिलीज किया है अभी दोस्तों इस वैकेंसी को दोस्तों। और इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, अंडर द एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट 2023, यहाँ पे जो पोस्ट है वो है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, ऐसी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन की, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है EPFO। पोस्ट नेम यहाँ पे देख सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड यहाँ पे स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है। और ये जो वैकेंसी पूरी होने वाली है बहुत ही बम्पर पदों पे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 2859 पोस्ट है दोस्तों। ओके, जॉब लोकेशन की बात करें ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है आपकी, एंड स्टार्ट डेट की बात करें तो 27 मार्च 2023, और इसी के साथ लास्ट डेट की बात करें तो 26 अप्रैल 2023 है, एंड जो मोड ऑफ अप्लाई है वो रहने वाला है ऑनलाइन। अब बात करें पोस्ट डिटेल की, तो देख सकते हैं यहाँ पे SSA जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म जिसका है ये SSA, उसको बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसकी पोस्ट होने वाली है 2674 पोस्ट, और स्टेनोग्राफर की यहाँ पे जो पोस्ट होने वाली है 185 पोस्ट दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 27 साल एज मांगी गई है आपसे, और जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है OBC, EWS और ST/HC वाले कैटेगरीज को। अब बात करें एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी देख सकते हैं जनरल OBC, EWS कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे ₹700 एप्लीकेशन फी होने वाली है, एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन हैज बीन कीप फॉर ST/SC एंड वुमेन्स एक्स सर्विसमैन फ्री फॉर, हाँ इनके लिए कोई यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं होने वाली है। जो एप्लीकेशन फी भरने का जो जरिया है वो ऑनलाइन रहेगा दोस्तों, आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपनी फीस को जमा दोस्तों। अब बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जो SSA सिक्योरिटी सोशल असिस्टेंट की यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग मांगी गई है आपसे, एंड स्टेनोग्राफर के अंदर 12th पास और स्टेनो का कोर्स मांगा गया, डिप्लोमा मांगा गया है। सैलरी की बात करें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो 29,200 से 92,300 तक सैलरी होने वाली है। स्टेनोग्राफर की यहाँ पे देख सकते हैं 25,500 से 21,100 तक होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसा कि देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन रहेगा आपका, स्किल टेस्ट रहने वाला है जिसके अंदर आपकी स्टेनो का टेस्ट लिया जाएगा एंड एक टाइपिंग का भी लिया जाएगा, जिसमें आप कर रहे हैं अप्लाई उसी के बेसिस, जैसे स्टेनो में कर रहे हैं तो आपका स्टेनो का जो टेस्ट लिया जाएगा स्किल टेस्ट, और अगर आप SSA के लिए कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा दोस्तों। देख लीजिए ये प्यारा सा नोटिफिकेशन जो निकाला गया है EPFO की तरफ से, और ये पूरा नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentsarkarivacancy.com पे जाके इजीली विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और भी नई अपडेट्स मिल जाएगी। जिस वैकेंसी में आपका इंटरेस्ट हो उसमें भी आप कर सकते हैं और जान सकते हैं पूरी जानकारी दोस्तों। इसके साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।